हुकूमत ने आलमी मंडी से सस्ता तेल खरीद कर पाकिस्तान में महंगा कर दिया। काबीना से भी इजाजत न ली। पेट्रोल 9 रुपए 53 पैसे लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 108 रुपए 31 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 122 रुपए 32 पैसे लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में भी 7 रुपए 40 पैसे का इजाफा। नोटिफिकेशन भी जारी। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान। सब्जियां, फल, दालें, घी, चीनी समेत हर चीज महंगी। कराची में रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों ने किराए 20% बढ़ा दिए। रमजान से पहले मुनाफाखोर भी सरगर्म। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के खिलाफ आवाम पट पड़े। कहते हैं क्या इमरान खान ने इसी तब्दीली का वादा किया था? पहले ही कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी थी, अब फाकों पर ही गुजारा करना पड़ेगा। शहर शहर एहतजाज। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा, जुल्म। रियासत मदीना बनाने वालों ने रमजानुल मुबारक का भी ख्याल न रखा। शहबाज शरीफ का रद्दे अमल। मरियम नवाज बोली, अवाम हुकूमत की नालायकी का बोझ कैसे बर्दाश्त करें? पीपल्स पार्टी ने तेल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शेरी रहमान ने कहा, हुक्मरान अवाम का खून चूस रहे हैं, अवाम को तब्दीली महंगी पड़ी है। मौला बख्श चांदियो कहते हैं, अब हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी। इमरान खान कम अज कम नहीं चाहेंगे कि वो अपनी अवाम के साथ उनकी मुश्किलात में इजाफा करें, लेकिन जब बैन अल-अक़वामी सतह पे तेल की कीमत बढ़ेगी तो दोनों में से आपको एक काम करना है, या आपने कीमत बढ़ानी है या बजट का हसारा बढ़ाना है। और कीमत बढ़ाने से वो बोझ जो है वो हुकूमत और अवाम मिल के शेयर कर लेंगे। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ, हुकूमत का उलट मौकफ। फरदौस आशिकवान कहती हैं, आलमी सतह पर तेल महंगा हुआ है, कीमतों में इजाफा हुकूमत और आवाम को मिलकर बर्दाश्त करना होगा। हुकूमत के रमजान पैकेज के गुब्बारे से हवा निकल गई। डेरा गाजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स के तमाम रैक खाली। दालें, चावल, घी, आटा, बेसन, खजूर समेत कुछ भी मौजूद नहीं। आवाम सिर्फ साबुन, सर्फ, चाय की पत्ती और शरबत से रोजा खोलेंगे। आईएमएफ के मुलाजिम को गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया गया। डॉक्टर रजा बाकर 3 साल के लिए गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर। नोटिफिकेशन भी जारी। डॉक्टर अहमद मुश्तबा मेमन नए चेयरमैन एफबीआर होंगे। पीपल्स पार्टी का बाकी रजा को गवर्नर स्टेट बैंक लगाना, हुकूमत का फैसला गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। मईशत को बराह रास्त आईएमएफ के कंट्रोल में दे दिया गया। तर्जमान बिलावल भुट्टो, मुस्तफा नवाज खोखर की रद्दमल। नून लीग की मरियम औरंगजेब का कहना है कि खान साहब, आपने पाकिस्तान में आईएमएफ का बाजाब्ता दफ्तर खोल लिया है। पाकिस्तान में पहला रोजा कल होगा या मंगल को? मरकजी रोटी हलाल कमेटी आज कराची में बैठेगी। महकमा मौसमियात का कहना है, चांद नजर आने का इम्कान नहीं। सऊदी अरब और खलीजी रियासतों के बासी कल पहला रोजा रखेंगे। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चांद का तनाजा हल कराने के लिए मैदान में आ गए। इस्लामी कैलेंडर तैयार करने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी। स्पार्को, महकमा मौसमियात और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माहरीन शामिल। 10 साल कैलेंडर से हर साल उठने वाला चांद के तनाजे खत्म होंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। मुत्तहिदा अरब अमीरात में इफ्तार के वक्त ऐलान, तोप चलाकर करने की हजारों साल पुरानी रवायत बरकरार। तमाम खलीजी रियासतों में इन साल भी सहर और इफ्तार के वक्त गोले दागे जाएंगे। रमजानुल मुबारक सब्र, एसार और बर्दाश्त का महीना है। रमजान के रूहानी असरात पूरे मुआशरे पर मरतब होते हैं। बरतानवी वजीर आजम ट्रीजा मे का पैगाम, मुसलमानों को बरतानवी मुआशरे का अहम हिस्सा करार दे दिया। पाकिस्तान की FATF के चुंगल से निकलने की कोशिशें जारी। मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी के खिलाफ कानून का मुसव्वदा तैयार। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को 10 साल कैद, 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। 6 महीने के लिए हिरासत में भी रखा जाएगा।
पंजाब के बलदियाती इदारे खत्म, इंतजाम एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इस्तेमाल लिया, नोटिफिकेशन जारी। 9 डिवीजन हेडक्वार्टर्स में कमिश्नर्स, 25 जिला में डिप्टी कमिश्नर्स, गुजरात और शालकोट में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू तैनात, 182 म्यूनिसिपल कमेटियों में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तमाम मामला देखेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अचानक दाथा दरबार पहुंच गए। नवाज शरीफ की दाथा के मजार पर हाजिरी, खुसूसी दुआ की। मुस्लिम लीग नून को कौन चलाएगा, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज या फिर शाहिद खाका नवाजी? अवाम की अक्सरियत ने वोट मरीम नवाज के हक में दे दिया। जिला खैबर के इलाके शेन कमर में महसूद स्काउट्स की बड़ी कार्रवाई, दहशतगर्दों का असलहा डिपो पकड़ा गया, बड़ी तादाद में असलहा बरामद। गुर्जरवाला में लेन देन के तनाजे पर दोहरा कत्ल, चचा ने भतीजे और उसकी अहलिया को गोलियां मार दी, मुलजिम फरार, लाशें अस्पताल मुंतकिल। गुर्जरवाला में ही में डकैती मजामत पर फायरिंग, बाप जा बहक, दो बेटे जख्मी। एपटाबाद इंतजामिया ने साफ शफाफ पाकिस्तान के नारे हवा में उड़ा दिए, शहर भर का कचरा ठिकाने लगाने का आसान तरीका ढूंढ निकाला, हजारों टन कचरे को आग लगाकर तल्ख किया जाने लगा, आवाम का सांस लेना भी दो भर। मेरे इस्तीफे की खबरें टीवी और अखबार पे चलना, मैं इससे बिल्कुल लाइलम हूँ और हैरान भी हूँ, क्योंकि मैंने किसी किस्म का कोई भी इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन ये बयान चलना या चलवाना एक इंतहाई गैर अखलाकी अमल है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में नया बहरान, सेक्रेटरी शहबाज सीनियर अहदे पर मौजूद, सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने आसिफ बाजवा को नया सेक्रेटरी लगा दिया, कल चार्ज भी संभालेंगे। शहबाज सीनियर खुद अपने इस्तीफे से लाए, कहते हैं उन्हें तो अपने इस्तीफे का मीडिया से पता चला, खालिद सज्जाद खोकर ने गैर अखलाकी हरकत की। जमा के सफीर रोफ होलम्बो का कराची में तारीखी मकामात का दौरा, मोहट्टा पैलेस की तस्वीर शेयर की, रिक्शे की सवारी भी की। जमा के सफीर कराची के तफरीही मकामात की मालूमात देने पर 24 न्यूज के भी शुक्रगुजार। ब्रिटिश एयरवेज के लंदन से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरने में सिर्फ 4 हफ्ते बाकी, पहली परवाज 2 जून को पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्यू का ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सुहावा में यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे, अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे, पिंडाल सजा दिया गया। क्राइस्टचर्च में अपनी जान देकर दूसरों को जिंदगी देने वाले नईम रशीद को निशाने शुजात से नवाज दिया गया, तकरीब क्राइस्टचर्च में हुई। पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ से दिया जाने वाला अवार्ड नईम रशीद की बेवा अम्बरीन ने वसूल किया। और आज अपनी परेशानियां भूल जाएं, खुद भी हंसे, दूसरों को भी हंसाएं, क्योंकि आज है वर्ल्ड लाफ्टर डे। सलाम पाकिस्तान, ठुनका न्यूज के साथ मैं हूं हैदर अवान, मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं बुजुर्ग मौजम। नाजीन 24 न्यूज अब आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, youtube.com/24newsHD। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, सबसे पहले अवलीद लिए चलेंगे मुल्तान, जहां पर वजीर खाजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान के रेट उनसे कम है, नंबर एक। नंबर दो, अगर ये नहीं इजाफा किया जाता, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई है तो इससे खसारे में इजाफा होगा। तो इन वजूहात की बुनियाद पर मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि उन्होंने नजरसानी की होगी। मैंने आज ये खबर पढ़ी सुबह के अखबारात में, हैरान हुआ कि IMF का ताना वो दे रहे हैं जो खुद सबसे पहले IMF के पास गए। मेरा सवाल ये है, आज अगर मुस्लिम लीग नून ये ताना दे रही है तो जैसे ही 2013 में इनकी हुकूमत कायम हुई थी, क्या मुस्लिम लीग नून
اور کیا اسحاق ڈار صاحب آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے تھے؟ 2008 میں